दिल्ली से हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ ये पूछना है, मैडम जी गुरु जी से बात कराओगे? जी बात हो रही है। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। हाँ भाई गुरु जी आपको हाथ जोड़ के पैर जोड़ के प्रणाम। गुरु जी आदाब, जय हिंद भाई आपका। और शेरजा को भी हाथ जोड़ के प्रणाम और साजिया जी को भी प्रणाम जो सुबह आते हैं जी। मैंने सुबह ही फोन किया, मिल ही नहीं रहा। कर्नल का मिल जाता है, रजिया का मिल जाता है, सुधाजा की मिल जाता है, मेरा फोन ही नहीं मिल के देता है। हाँ ये परेशानी होती है। हाँ, और जब आप करते रहते तो मिलने लगता है। अब आप करते रहेंगे तो आपका फोन मिल जाया करेगा, आपकी शिकायत दूर होगी। गुरु जी मैं छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ गुरु जी। मैंने पहले भी अब दो तीन दफे फोन किया है, आपको याद हो तो, ये काले जो क्या नाम है चावल के बारे में वो पूछा था आपसे, और काले गेहूँ के बारे में, तो ये सवाल है गुरु जी। और एक ये है गुरु जी, जैसे पानी कौन सा अच्छा है, जैसे बारिश का पानी अच्छा है, या आप तांबे के बर्तन में बताते हो वो अच्छा है, या आरओ का अच्छा है, या उबाल कर अच्छा है, एक ये सवाल है। और गुरु जी तेलों में तेल कौन सा अच्छा है घर के यूज के लिए, सरसों का, जैतून का, बड़े अच्छे सवाल। केमिकल रिफाइंड ऑयल आता है जो ये रामदेव जो बताते हैं, और घी में कौन सा घी अच्छा है, भैंस का या गाय का घी अच्छा है, और पनीर या मशरूम में कौन सा अच्छा है, एक ये सवाल पहले मैंने आपसे किया था गुरु जी। जी जी सवाल तो बहुत है गुरु जी, लेकिन आपको देख के ना भूल जाता हूँ गुरु जी, ठीक है ना। अरे हम भी भूल जाते हैं। जीभ मेरी सफेद रहती है गुरु जी, ज्यादातर ना जीभ जैसे मैं खा लेता हूँ तो सफेद हो जाती है जीभ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखिए झील अच्छा है, कमल अच्छा है, कि जाम अच्छा है, वो अच्छे पे मुझे शेर याद आ गया, इससे कोई ताल्लुक नहीं है वैसे। झील अच्छा है, कमल अच्छा है, कि जाम अच्छा है, तेरी आँखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। ये बहुत मशहूर शेर है, आपको सुना दिया क्योंकि बहुत दिन से शेर नहीं सुनाया था इस प्रोग्राम में। और देखिए काले चावल और गेहूं के बारे में अभी मेरी रिसर्च नहीं है, शायद अगले महीने से शुरू करूँगा। मेरे पास बहुत काम होता है रिसर्च का, और जब तक मैं उसे सही नहीं पा लेता जब तक मैं आप लोगों को शेयर नहीं करता, तो उस पर पूरी रिसर्च बाकी है, इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार करें। और क्या सवाल? बारिश का पानी, तांबे का पानी, या उबाल के पानी पीना कौन सा? सबसे अच्छा पानी उबाल के पीना, ये आरओ से भी अच्छा है और हर तरह से अच्छा है, क्योंकि सिर्फ पानी के ज़रिए हमारे पेट में कीटाणु जाते हैं। खाना हम सब ज़्यादातर गर्म खाते हैं और गर्माई से कीड़े मर जाते हैं, लेकिन पानी हम इंडियंस लोग ख़ास तौर पर ठंडा पसंद करते हैं, तो पानी अगर गर्म करके फिर ठंडाई करके पी लें तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी गर्म पीना सेहत की बहुत बड़ी यानी कामयाबी है। और गर्म पानी तांबे के बर्तन में कभी ना डालें, पानी ठंडा अगर तांबे के बर्तन में रख लें तो उसमें मिनरल्स आ जाते हैं, तांबे में जो मिनरल्स हैं वो उसमें आ जाते हैं हमारी ज़रूरत के, और मिनरल्स जो हैं हमारे जिस्म में एक बड़ा काम हाजमे का करते हैं, और हमारे जिस्म को तांबे की भी ज़रूरत है। जितना तांबा ये पानी तांबे के बर्तन में रख कर एब्जॉर्ब करता है बस इतनी ज़रूरत है, ये पानी सबसे अच्छा कहलाता है, और ये कीटाणुओं को भी मारता है। तांबा जो है कीटाणु नाशक भी होता है, लेकिन जितना तांबा हमारे अंदर पानी के ज़रिए जाता है वो हमारे लिए बहुत सेफ है जी। कौन सा तेल अच्छा है, कौन सा घी अच्छा है? तो देखिए जो भी मिल जाए शुद्ध, तो घी सबसे अच्छा गाय भैंस का, लेकिन असली होना ज़रूरी, आजकल असली की बड़ी परेशानी है। और तेल हमारे हिंदुस्तान में राई का तेल बहुत अच्छा होता है, वो भी असली होना चाहिए, बस ये है कि अपने नज़र से सामने से करा ले तो अच्छा है, नहीं तो ज़रा सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, 99% लोग बेईमानी पर उतारू हैं, ज़्यादा फ़ायदे के लिए अपना ईमान ख़राब करते हैं। आप देखिए गाँव के लोग लग रहे हैं मुझे, आपको तो शुद्ध चीज़ें मिलती होंगी। राई का तेल बहुत अच्छा है, जितने ये आते हैं ना पाम वाम ये वो सब,
इसको इस्तेमाल किया करें, या फिर और भी इससे भी बेहतर, वैसे इंडियंस के लिए तो ये बहुत अच्छा है, जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है, वो भी असली का है, जो भी असली मिलेगा वही अच्छा है। मैंने कहा ना कि झील अच्छा है, कंवल अच्छा है, कि जाम अच्छा है, तेरी आँखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है जी। आखिरी सवाल है, इनकी जो जीभ वो सफ़ेद रहती है। हाँ, एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं और धनिया और अलसी का पाउडर बना लें, हम वजन लेके बराबर बराबर लेके हल्का सा भून के पाउडर बना लें, 1 चम्मच खाकर ये 2 गिलास पानी जो नमक जैतून मिश्रित पानी पी लिया करें, ये इतने फ़ायदे करता है क्या बताऊँ आपको, 10-12 फ़ायदे करता है, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर और इन्फेक्शन, ज़बान का इन्फेक्शन, खून का इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, खून को साफ़ करता है, छाले तक दूर हो जाते हैं इससे, और हमारे शरीर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये आज़ाए रईसा हम कहते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को रोज़ाना धो मांज के, बिल्कुल जैसे बर्तन गंदे हो जाते हैं, धो मांज के फिर नए कर देता है, लिया करें इसे जी।